अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर। इससे पहले हम लोग करिकुलम का लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सब्जेक्ट स्टार्ट किया था और आज उसी सब्जेक्ट का लेके यूनिट नंबर 1 का टॉपिक नंबर 2 में जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आज हम उसको डिस्कस करेंगे एंड द टॉपिक इज़ द नेचर ऑफ करिकुलम। सबसे पहले ऑलरेडी मैं आपको करिकुलम क्या होता है वो बता चुकी हूँ, उसकी डिफरेंट डेफिनेशंस क्या थी वो भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर ली। आज हम नेचर को शेयर करेंगे, पढ़ेंगे करिकुलम की नेचर क्या है। नेचर ऑफ करिकुलम इज़ अ कम्प्लेक्स एंड मल्टी फेस्टेड कॉन्सेप्ट दैट इनकम्पासेस वेरियस डायमेंशंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ करिकुलम इन्वॉल्व्स कंसिडरिंग इट्स पर्पस, कंपोनेंट्स, डेवलपमेंट एंड इन्फ्लुएंस ऑन एजुकेशन। हेयर आर सम की एस्पेक्ट्स दैट हेल्प एलोडिकेट द नेचर ऑफ करिकुलम। करिकुलम क्या है, उसकी नेचर जो है वो बड़ी कम्प्लेक्स है, मल्टी फेस्टेड, इट्स मीन के मल्टी डायमेंशन कॉन्सेप्ट है और इसमें जो डिफरेंट करेक्टर्स इंक्लूड हैं उसकी डिफरेंट डायमेंशन इंक्लूड हैं। और उसके अलावा अगर आपने करिकुलम की नेचर को समझना है तो उसके पर्पस को आपको समझना होगा। उससे पहले उस करिकुलम के कंपोनेंट्स क्या हैं उनको समझें, करिकुलम में डेवलपमेंट कैसी होती है उसको समझें, और उसके बाद आपके उस करिकुलम का इन्फ्लुएंस क्या है आपके एजुकेशन सेक्टर पर उसको समझने की कोशिश करें। तो सबसे पहले हम इसकी नेचर में देख लेते हैं पर्पस और गोल क्या हैं करिकुलम के। पर्पस और गोल का मतलब यह है कि जो करिकुलम है उसका कोई ना कोई मकसद है, उसको आपने कोई ना कोई उससे गोल्स अचीव करने हैं, तो वो क्या होंगे। नंबर 1 हम डिस्कस कर लेते हैं एजुकेशनल गोल्स। अब एजुकेशनल गोल्स वो हैं करिकुलम के जो आपकी एजुकेशन सेक्टर यानी आपके बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड है। उस एजुकेशन सेक्टर में आपके पास स्टूडेंट्स भी इंक्लूड हो रहे हैं। करिकुलम बेसिकली मैं पहले बता दूं कि एक ऐसा आप समझ लें कि एक रोड मैप है जो आपको बताता है कि इस जो सब्जेक्ट है या ये जो कोर्स है या ये जो लेवल है इसके लेवल पे स्टूडेंट्स को ये चीज़ें आनी चाहिए। पर्पस एंड गोल्स, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं एजुकेशनल गोल की। करिकुलम इज़ डिज़ाइन टू अचीव स्पेसिफिक एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स विच कैन वेरी फ्राम इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन आर इंस्टीट्यूशन टू सिस्टम आर सिस्टम टू सिस्टम। दीज गोल्स ऑफन रिफ्लेक्ट द वैल्यूज एंड प्रायोरिटीज ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड सोसाइटी एट लार्ज। अब एजुकेशनल गोल क्या है कि ये आपके इंस्टीट्यूट से इंस्टीट्यूट यानी एक तालीमी इदारे से दूसरे तालीमी इदारे तक मैटर करता है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक मैटर करता है। अब इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट यहाँ पे डिफरेंस मैं बता दूँ कि एक स्टूडेंट है प्राइमरी सेक्टर का और दूसरा है प्राइवेट सेक्टर का, उन दोनों की जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं वो चेंज हैं। सिस्टम टू सिस्टम में बात करें तो एक स्टूडेंट हमारे पास आ रहा है हमारे लोकल एजुकेशन सिस्टम का जिसमें आपके पास मैट्रिक है, FSC है, FA है, और एक स्टूडेंट है जो आपके पास ओ लेवल्स और ए लेवल्स पर आ रहा है। उन दोनों स्टूडेंट्स का लर्निंग एक्सपीरियंस चेंज होगा, उन स्टूडेंट्स की थॉट चेंज होगी, उन लोगों का बैकग्राउंड चेंज होगा, उन लोगों की लर्निंग प्रायोरिटीज चेंज होंगी। इसलिए हर और ये आपकी सोसाइटी में भी इफेक्ट हो रहा है। बात कर लेते हैं प्रिपरेशन फॉर लाइफ। प्राइमरी जो पर्पस है करिकुलम का वो ये है कि आप जो स्टूडेंट है उसको डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ के लिए उनको प्रिपेयर करें। लाइक उसमें उन बच्चों की एकेडमिक एजुकेशन आ गई, उनकी वोकेशनल एजुकेशन आ गई, वो सोसाइटी में कैसे मूव कर रहे हैं उनकी एजुकेशन आ गई, और उनकी एज अ सिविलियन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं यानी एक शहरी के तौर पर उनकी क्या क्या जिम्मेदारी हैं। आपने उन सबको आप वो स्टूडेंट्स को सिखा रहे हैं किसके ज़रिए, करिकुलम के ज़रिए। अब करिकुलम के कंपोनेंट्स में अगर हम बात करें तो 4 कंपोनेंट्स है, सॉरी, एक है कंटेंट, दूसरा है मेथड, तीसरा है असेसमेंट, चौथा है एक्सपीरियंसेस। कंटेंट में सबसे पहले हम देख लें तो ये वो सब्जेक्ट है करिकुलम में जो टॉपिक्स हैं वो कॉन्सेप्ट्स या वो स्किल्स हैं जो स्टूडेंट जो है वो उसने सीखनी है उस सब्जेक्ट के अंदर। उस कंटेंट को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया है, वो कोर्सेज के अंदर ऑर्गेनाइज है, वो यूनिट्स के अंदर ऑर्गेनाइज है, वो लेसन्स के अंदर ऑर्गेनाइज है। हम कंपोनेंट्स में बात कर लेते हैं करिकुलम के कंपोनेंट्स में, वो है मेथड्स। अब मेथड्स क्या हैं, जो आपका करिकुलम है उसमें इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज भी इंक्लूडेड है। अब इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, पढ़ाने के तरीके,
एक यूनिट है, उस एक सब्जेक्ट है, एक टॉपिक है, उसको पढ़ाने में कौन कौन सा तरीका आप ले सकते हैं वो इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज में काउंट होता है। और वो अप्रोचेस हैं जिसमें आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। वो आपका टीचिंग मेथड हो सकता है, वो आपके मटेरियल्स हो सकते हैं, वो आपके रिसोर्सेज हो सकते हैं। अब टीचिंग मेथड में मैं एग्जांपल आपको सिंपल दे रही हूँ कि अगर आप जो है वो कोई स्टोरी पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स को, और उसमें आप स्टोरी को लेक्चर के जरिए कभी भी स्टूडेंट्स को डिलीवर नहीं करेंगे। आप उसके लिए स्टूडेंट्स के लिए रोल प्ले का मेथड यूज़ करेंगे, और वो रोल प्ले का मेथड है उसमें उस स्टोरी में जो जो भी उसमें जो चीज़ें इंक्लूड हैं वो मटेरियल क्या होगा उसमें, वो एवियर्स हो सकते हैं, वो कार्ड्स हो सकते हैं, वो चार्ट्स हो सकते हैं, इवन वो स्क्रिप्ट हो सकता है स्टूडेंट्स के पास जिसको वो उस सब्जेक्ट को पढ़ा सकते हैं। इस सब के लिए ये नहीं है कि आपको बाकायदा से स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा उस स्टोरी के लिए, नहीं। अगर आपकी स्टोरी में एक कन्वर्सेशन है दो बंदों की, तो आप दो स्टूडेंट्स को ले सकते हैं और पहले से उनको बता सकते हैं कि हाँ जी इसमें जो ये डायलॉग्स हैं या जो रिटन लिखा हुआ है ये इस स्टूडेंट ने बोलना है, और ये जो सेकेंड है ये स्टूडेंट ने बोलना है। उसमें आप ये कि बच्चों को क्लास के सामने ला के उनसे प्रेजेंट करवा सकते हैं, ये उस सब्जेक्ट का मेथड है, उस टॉपिक का मेथड है कि आपने इसको ऐसे पढ़ाना है। ये इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज आती हैं। देन हम बात कर लेते हैं असेसमेंट की। आपने बच्चों को कंटेंट दिया, उस कंटेंट को पढ़ाने का तरीका है, पढ़ा भी दिया। नाउ अब द स्टेप इज कि आपने बच्चों पे असेस करना है कि जो आपने उनको पढ़ाया है उससे उन्होंने कितनी चीज़ें सीखी हैं। दैट टाइम करिकुलम में जो आपने पास जो चीज़ें इंक्लूड हैं वो मेथड्स हैं स्टूडेंट्स की लर्निंग जो उन्होंने सीखा, उसमें आप टेस्ट ले सकते हैं, आप उनके क्विजेज ले सकते हैं, आप स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट्स दे सकते हैं, या फिर आप परफॉर्मेंस असेसमेंट ले सकते हैं। देन आपके पास आता है एक्सपीरियंसेस। करिकुलम जो है ये बोथ फॉर्मल क्लासरूम एक्सपीरियंस और इनफॉर्मल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज दोनों को डील करता है। फॉर्मल क्लासरूम एक्सपीरियंसेस को अगर मैं थोड़ा सा एलेबोरेट करूँ, ये वो एक्सपीरियंसेस हैं जो स्टूडेंट्स ने क्लास के अंदर सीखे हैं। आइदर इट इज़ इन ग्रुप, अगर वो ग्रुप वर्क में काम कर रहा है तो वो ग्रुप में सीखेगा, अगर वो अपने पीयर के साथ काम कर रहा है तो उसने पीयर से सीखा है। और अगर इनफॉर्मल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ की हम बात करें तो इनफॉर्मल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ वो लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो स्टूडेंट ने आउट ऑफ द क्लास सीखा है। आइदर इट इज़ इन इंस्टीट्यूट और आइदर इट इज़ आउट ऑफ द इंस्टीट्यूट। वो इंस्टीट्यूट के अंदर भी हो सकता है, वो इंस्टीट्यूट के बाहर भी हो सकता है, लेकिन वो सारे इनफॉर्मल वेज हैं जिनमें स्टूडेंट्स ने लर्न किया है। बात कर लेते हैं करिकुलम की डेवलपमेंट की। अब डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो करिकुलम की डेवलपमेंट में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि करिकुलम को डेवलप किया कैसे जाता है। ये वो प्रोसेस है जिसमें आपकी करिकुलम जो ऑलरेडी कुछ चीज़ें मौजूद हैं आपने उनको रिवाइज किया है या फिर आपने उनको क्रिएट किया है, उनके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग्स लाई हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम, अकॉर्डिंग टू द इनोवेशंस। आपने आपके पास उसमें आपके एजुकेटर्स इन्वॉल्व हैं, आपके एक्सपर्ट्स हैं एजुकेशन के, आपके स्टेक होल्डर्स यानी जो आपके अथॉरिटेटिव लोग मौजूद हैं आपने उनको इंक्लूड किया, और उसके अलावा आपने वो डिसीजंस लेने हैं कि व्हाट टू टीच, किस लेवल पर क्या पढ़ाना है, हाउ टू टीच, उसको पढ़ाया कैसे जाएगा, एंड हाउ टू असेस लर्निंग, आपने जो पढ़ाया उसको असेस कैसे करना है। देन अलाइनमेंट, करिकुलम जो है वो आपके एजुकेशनल गोल्स और स्टैंडर्ड्स के साथ अलाइन होना चाहिए। वो इंश्योर करेगी चीज़ को कि जो आपने चीज़ें पढ़ाई हैं और जो उनको असेसमेंट उनकी की है उनके एक स्पेसिफिक आउटकम्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी की। सबसे पहले देख लेते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। करिकुलम को ऐसा होना चाहिए कि वो अडेप्टेबल हो अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ स्टूडेंट। आप उसको चेंज करें सोसाइटी के अकॉर्डिंग, जॉब मार्केट के अकॉर्डिंग। इसकी एग्जांपल मैं सिंपल आपको ये दे सकती हूँ कि जो इनोवेशंस ईयर 1999 में या 90s में नहीं थी, 2000 में वो चीज़ें आईं। हमारा करिकुलम अकॉर्डिंग जब चीज़ें चेंज हुई तो हमने सोसाइटी के अकॉर्डिंग, उन टाइम के अकॉर्डिंग अपने आने वाली जनरेशन को नई चीज़ें सिखानी है, ना कि हम वो पुराना तरीका सिखा रहे हो कि हाँ जी इस टाइम पे ये हो गया था ये हो गया था। अब बहुत टाइम जो है वो एडवांस हो चुका है। बात कर लेते हैं कस्टमाइजेशन की।
अगर कुछ कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो ये एक वो ट्रेंड है जो पर्सनलाइज्ड और कस्टमाइज्ड करिकुलम की तरफ हमें लेके जाता है। अब ये पर्सनलाइज्ड और कस्टमाइज्ड करिकुलम क्या होता है? कस्टमाइज करिकुलम वो है जिसको हमने अकॉर्डिंग टू द टाइम चेंज किया, उसमें न्यू इनोवेशंस डाली जो आपके पास चेंजिंग सोसाइटी में आ रही हैं, आपने उनको अडेप्ट किया और उसके बाद आपने अपने उन कोर्स वर्क के अंदर या उस करिकुलम के अंदर उनको मर्ज किया। ये किस लिए है कि जो इंडिविजुअल जो स्टूडेंट का इंटरेस्ट है उसमें, उस स्टूडेंट की जो एबिलिटीज़ है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, और जो स्टूडेंट का लर्निंग का स्टाइल है वो उसमें इम्पॉर्टेंट है। इसकी एग्जांपल मैं सिंपल ये दे सकती हूँ कि आपकी क्लास में अगर 40 स्टूडेंट्स हैं तो 40 के 40 स्टूडेंट्स आपके पास जो है वो हायर ऑर्डर थिंकिंग के नहीं होंगे, यानी कि आपके पास जो 40 के 40 स्टूडेंट्स हैं उनका माइंडसेट उतना ही वो शार्प नहीं होगा जितना एक बाकी स्टूडेंट्स का है। आपको आपकी क्लास में आपको मेडियोकर्स भी मिलेंगे, आपको लोअर लेवल लर्निंग भी मिलेंगी और आपको हाई लेवल लर्निंग के स्टूडेंट्स भी मिलेंगे। तो आपका जो करिकुलम है वो इस तरह होना चाहिए कि उस क्लास में बैठे हर स्टूडेंट को पढ़ाया जा सके। अब लर्निंग स्टाइल्स में अगर हम देखें तो एक स्टूडेंट को अगर एक तरीके से वो चीज़ समझ आ रही है तो ज़रूरी नहीं है कि वो उस क्लास में बैठे हर स्टूडेंट को उसी लर्निंग स्टाइल से वो चीज़ समझ आ रही हो। उसमें बहुत से स्टूडेंट्स हैं, उनमें चेंजिंग्स भी आती हैं, उन हर किसी स्टूडेंट का उनकी साइकी चेंज है, उनका माइंडसेट चेंज है और हर स्टूडेंट को अल्लाह ताला ने डिफरेंट कैपेबिलिटीज से नवाजा है। कहते हैं इन्फ्लुएंस, करिकुलम का इन्फ्लुएंस क्या है हमारी सोसाइटी पर और हमारे कल्चर पर। अब करिकुलम जो है वो हमारी वैल्यूज़ के साथ डील कर रहा है, हमारे बिलीव्स के साथ डील कर रहा है और हमारे कल्चरल नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी हैं उनके साथ डील कर रहा है जो हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब वो जो नॉलेज है या वो जो स्किल्स हैं वो डिपेंड करती हैं आपकी सोसाइटी पर। अब स्टूडेंट का लर्निंग एनवायरनमेंट क्या है, आप यहाँ पे अगर एक स्टूडेंट है वो फॉर एग्जांपल किसी बहुत ही ब्रॉड माइंडेड एरिया का है या बहुत इलीट क्लास का है या किसी बहुत हाई फाई सेटअप वाले सिटी से है, और एक वो स्टूडेंट जिसका जो बैकग्राउंड है वो किसी विलेज से है किसी टाउन से है, तो उन दोनों के एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होंगे, उनका उनके बिलीफ सिस्टम चेंज होंगे, उनका कल्चरल नॉर्म चेंज होगा। बात कर लेती है एजुकेशनल फिलॉसफी की। जो करिकुलम का नेचर है वो इन्फ्लुएंस्ड है डिफरेंट एजुकेशनल फिलॉसफीज से। अब एजुकेशनल फिलॉसफीज ये बहुत बड़ी अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर बहुत से टॉपिक्स आते हैं और इसका को हम लोग कवर करेंगे इंशाल्लाह फिलोसॉफिकल जो थॉट्स हैं उनके सब्जेक्ट में। तो अभी मैं आप लोगों को सिर्फ ये बता दूँ कि हर एक चीज़ के पीछे बिहाइंड द कोई रीज़न होता है उस चीज़ को बनाने में। सेम इस तरह ही है कि हम अगर एजुकेशन में बात करें तो एजुकेशन में बहुत से लोग हैं, हर बहुत से डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेक होल्डर्स आर देयर, तो उसके लिए उनकी हर एक की फिलॉसफी चेंज है। कुछ प्रोग्रेसिविज्म के साथ डील कर रहे हैं, कुछ असेंशियलिज्म के साथ डील कर रहे हैं, कुछ का जो लिंक है वो कंस्ट्रक्टिविज्म के साथ और कुछ बिहेवियरिज्म के साथ डील कर रहे हैं। ये सारी फिलॉसफीज की ब्रांचेस हैं, इनको इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट किसी टॉपिक में डिटेल से डिस्कस करेंगे। हिडन करिकुलम की, अब करिकुलम की टाइप्स में ऑलरेडी मैं लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुकी हूँ कि हिडन करिकुलम क्या है। ये वो करिकुलम है जो लिमिटेड नहीं है, जो फॉर्मल नहीं है, उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो हिडन है, लाइक वो छुपा हुआ है। उसमें आपके एक स्टूडेंट है, मैं इसकी एग्जांपल आपको सिंपल ये दे रही हूँ कि अगर आपको एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं लाइक स्पोर्ट्स क्या एक सब टॉपिक है, आप उसके अंदर एक स्पोर्ट्समैनशिप पे एक पोएम है, तो आपने उस स्पोर्ट्समैनशिप के ऊपर जब आप उसको पढ़ा रहे हैं वो पोएम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उसके बिहाइंड आपको ये भी बताना है कि एक स्पोर्ट्समैन के अंदर किस किस चीज़ का होना ज़रूरी है। आप उनमें हिडन जो चीज़ें आप उनको मैसेजेस दे रहे हैं दैट इज़ लिंक विद द हिडन करिकुलम। बात कर लेते हैं इंटरकनेक्टेडनेस की। अभी इंटरकनेक्टेडनेस क्या है, वो चीज़ें जो करिकुलम के कंपोनेंट में है जिनको हमने पढ़ाया है उनका लिंक है किसी सब्जेक्ट के साथ, उनका ग्रेड के साथ, वो सीक्वेंस में पढ़ाई जा रही हैं चीज़ें, इसलिए स्टूडेंट्स की लर्निंग जो है वो हर लेवल पर चेंज है। बात कर लेते हैं करिकुलम के डायनामिक नेचर की। करिकुलम के डायनामिक नेचर में इसका मतलब यह है
कि करिकुलम स्टैटिक नहीं है, एक जगह पर रुका हुआ नहीं है, ये इवॉल्व हो रहा है टाइम टू टाइम, उसमें चेंजिंग्स आ रहे हैं एजुकेशनल नीड्स के अकॉर्डिंग, सोसाइटी के अकॉर्डिंग, हमारी सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग, और उसके अलावा एजुकेशनल रिसर्च में जो चेंजिंग्स आ रही हैं, जो एजुकेशन में इनोवेशंस आ रही हैं, उसकी वजह से करिकुलम का जो नेचर है वो डायनामिक है, हम करिकुलम को कंटिन्यूसली चेंज कर सकते हैं। बात कर लेते हैं ग्लोबल प्रस्पेक्टिव की। अब ग्लोबल प्रस्पेक्टिव क्या है? ग्लोबल मीन ग्लोब। अब आप यहाँ पे जब बात करेंगे तो आप ओवर द काउंटर, आप वर्ल्ड के, दुनिया के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि वो ग्रोइंग एम्फेसिस जो आपके डेवलप करिकुलम के जो डेवलपमेंट है उसमें कहाँ पे चीज़ें आ रही हैं, आप जो स्टूडेंट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनकी ग्लोबल सिटीजनशिप है वहाँ पे है, वो किस तरह लिंक कर रहा है। उसके अलावा क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, इसकी सिंपल टर्मिनोलॉजी ये बता सकती हूँ कि एक हम पाकिस्तान में अगर कल्चर बात करें तो पंजाब का कल्चर इलादा है, केपी का कल्चर इलादा है, सिंध का कल्चर इलादा है, और बलूचिस्तान का कल्चर इलादा है। इवन अगर आप एक ही प्रोविंस में रह के डिफरेंट कम्युनिटीज में बात करें तो उनके भी कल्चर्स इलादा है। तो क्रॉस कल्चर जब हम दुनिया में बात करते हैं तो हर कंट्री का अपना कल्चर है। जब हम ग्लोबल पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो एक कंट्री का जो कल्चर है, अगर हम फॉर एग्जांपल पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ा रहे हैं या सोशल स्टडीज़ का सब्जेक्ट है, अब सोशल स्टडीज़ के सब्जेक्ट में आपने ओवर द काउंटर कंप्लीट जो आपकी दुनिया के आपके जो लोग हैं आपने उनको शेयर करना है, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग भी आपने उस करिकुलम के अंदर डालनी है। और उसके अलावा इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव, यही जो मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी, ये चीज़ें इनका होना ज़रूरी है। कहते हैं टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन की। ओवर द टाइम जब आपके पास टेक्नोलॉजी में इनोवेशंस आ रही हैं, आपके पास करिकुलम में चेंजिंग्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। उसका रीज़न ये है कि अगर आपके पास वर्ल्ड वाइड कोई डेवलपमेंट हो रही है तो कुछ टाइम बाद जब आपका करिकुलम चेंज होगा तो आपने उस चीज़ को उसके अंदर डालना है। लाइक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ये दे सकती हूँ कि जिस तरह हमारी कंप्यूटर जो स्टूडेंट्स जिनको हम कंप्यूटर साइंस पढ़ा रहे हैं, अब कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी की दुनिया में जितनी भी चेंजिंग्स आएंगी कुछ ना कुछ उनका असर हमारे करिकुलम पर पड़ेगा। कितने ही स्टूडेंट्स हमारे पास पाकिस्तान में ऐसे हैं जो डिफरेंट उनके पास उनका काम जो है वो जब मंजर आम पर आता है तो हम उस चीज़ को डालने की कोशिश करते हैं, और वो जो चीज़ें जब हम डालते हैं तो वो ऑलरेडी आपके करिकुलम में इंटीग्रेट हो जाती हैं। नेचर ऑफ करिकुलम में इसका मैं अगर ओवरऑल इसको कंक्लूड करूं तो ये है कि आपका जो करिकुलम है उसकी नेचर को समझना बहुत ज़रूरी है आपके एजुकेटर्स के लिए। यहाँ पे आपके एजुकेटर्स में आपकी टीचिंग फैकल्टी आ रही है, आपके करिकुलम डेवलपर्स के लिए वो लोग जो एक्सपर्ट हैं, एजुकेशनल एक्सपर्ट्स हैं जो करिकुलम बना रहे हैं, पॉलिसी मेकर्स जो पॉलिसीज़ बना रहे हैं, और स्टेक होल्डर्स जो आपके पास हाई अप्स बैठे हैं आपके एजुकेशन सेक्टर में, लाइक मिनिस्टर्स हैं एजुकेशन के, या फिर आपके पास वो हेड ऑफ द टीम्स जो बैठी हैं उनको हम स्टेक होल्डर्स कह सकते हैं। और ये आपको चीज़ें वो बता रही हैं कि उस सब में स्टूडेंट को किस तरह असेस किया जाएगा, स्टूडेंट्स को वो टॉपिक किस तरह पढ़ाया जाएगा, और उसके साथ अल्टीमेटली आप ये बता रहे हैं कि स्टूडेंट्स की जो एक्सपीरियंसेस हैं लर्निंग की आपने उनको भी साथ साथ इनोवेट कर रहे हैं। मेरा आज का ये लेक्चर यहीं पे कंप्लीट हो रहा है, नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से मिलूंगी, तब तक के लिए अपना रखें बहुत सा ख्याल, अल्लाह हाफिज़, एंड कीप सब्सक्राइबिंग टू माई यूट्यूब चैनल, क्योंकि मेरे पास बहुत ही स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो लेक्चर्स तो सुन रहे हैं बट दे आर सब्सक्राइबिंग माई चैनल, सो प्लीज़ कीप सब्सक्राइबिंग टू यूट्यूब चैनल। और इसके अलावा अगर आप लोगों को इस सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए किसी भी, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा गिवन ईमेल एड्रेस वहाँ पे मेंशन है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आई विल रिस्पॉन्स यू एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच।